हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से संबंधित अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस टॉपिक पर हम प्रश्नोत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान, सत्य असत्य सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अध्याय है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, विषय अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल। अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का विकल्प देखेंगे, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाते हैं। जंतु जो होते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, जो जंतुओं को जहाँ पे सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है वह स्थान कौन सा होता है? तो सबसे जंतुओं के लिए संरक्षित जगह तो जंगल होते थे, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति को देखते हुए अब इतना सुरक्षित नहीं रहा जितना कि पहले था। अब जंगलों की अंधाधुंध कटाई, प्रकृति का पूर्ण रूप से दोहन जंतुओं के लिए, उनके जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। तो अब इस स्थिति को देखते हुए प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वो स्थान जो वर्तमान में जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं, हमको बताना है कौन सा होगा। तो वह स्थान जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं चिड़ियाघर कहलाते हैं। इसका हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चिड़ियाघर, चिड़िया घर, ये हो जाएगा यहाँ पे चिड़ियाघर। उत्तर संख्या पहले का चिड़ियाघर, ठीक है बच्चों। खा विकल्प देखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाएगी तो वो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय, ये देखिए यहाँ पे खा नंबर विकल्प में उत्तर लिख दिया था जिससे आपको कोई दुविधा ना हो, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। का विकल्प देखेंगे, प्रवासीय पक्षी सुदूर क्षेत्रों में रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, ये आपने देखा होगा कि जाड़ों में ऊंची दूरी पर हमें एक झुंड में पक्षी का दल उड़ता हुआ दिखाई देता है, इन्हें ही प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान भरा जाएगा वो हो जाएगा जलवायु, क्या होगा बच्चों, जलवायु। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जब इनकी जलवायु यहाँ दूसरे क्षेत्र में इनके अनुकूल होती है तब तो ये रुकते हैं, यदि अनुकूल नहीं रहती है तो इनका पूरा का पूरा झुंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक हजारों किलोमीटर की दूरी या तय करते हुए दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, वन्य प्राणी उद्यान एवं जयमंडली आरक्षित क्षेत्र। पहला जो है इसमें अंतर हमको स्पष्ट करना है कि वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडली आरक्षित क्षेत्र, इन दोनों के बीच हमें अंतर स्पष्ट करना है। देखेंगे कि वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडली आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। जो वन्य प्राणी उद्यान एक ऐसा, देखेंगे बच्चों, वन्य प्राणी उद्यान एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहाँ जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है। एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र बना दिया जाता है, ऐसा क्षेत्र बना दिया जाता है
जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर ही रहते हैं, उनकी सुरक्षा होती है और उस पर किसी भी मनुष्य, किसी भी सामाजिक संगठन का अधिकार नहीं होता। पूर्ण रूप से यह सरकार के अधीन क्षेत्र होता है, इस पर कोई किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। तो इस क्षेत्र में जंगली जानवरों को सुरक्षित संरक्षित किया जाता है। और इसके विपरीत देखते हैं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों, उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, वन्य जीवन भी होता है, पौधे एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए भी जीवन पायन हेतु विशेष संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें आदिवासियों को भी शामिल कर लिया जाता है, इसलिए इसे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। खा विकल्प देखते हैं, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में क्या अंतर है। चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में जो अंतर है वह हम देखते हैं, ऐसा स्थान जहाँ जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। चिड़ियाघर में क्या होता है, ऐसा स्थान बना दिया जाता है जहाँ पर जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। इनके लिए एक निश्चित आवास बना दिया जाता है, जैसे जानवरों के लिए शेर के लिए शेर का बाड़ा हो जाता है, पक्षियों के लिए पक्षियों के रहने का स्थान अलग से बना दिया जाता है। तो आपस में भी इनमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है और इनके रहने के लिए अनुकूल बना दिया जाता है। अभयारण्य में क्या होता है बच्चों कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास को संरक्षित रखा जाता है। अभयारण्य में होता है कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास को संरक्षित रखा जाता है। इनमें जंतुओं का आवास संरक्षित रखा जाता है, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं रहता है अभयारण्य में। चिड़ियाघर में क्या होता था कि ऐसा स्थान जहाँ जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं, उनके लिए आवास बनवाए जाते हैं, बाड़ा बनवाया जाता है। लेकिन अभयारण्य में क्या होता है कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास को संरक्षित रखा जाता है। गा देखेंगे, गा विकल्प, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज में अंतर बताइए। संकटापन स्पीशीज जो होती है वे होती है कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे गिद्ध। गिद्ध पक्षी पहले, आज से कुछ समय पहले, बहुत सी संख्या में देखे जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में इनको देखना दुर्लभ हो गया है। इनकी संख्या कम होती जा रही है, तो इन्हें संकटापन्न स्पीशीज कहेंगे। और विलुप्त स्पीशीज में क्या होता है बच्चों कि वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि डायनासोर पहले हमारे पृथ्वी पर मौजूद थे, उनके अवशेष आज भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अब ये पृथ्वी पर नहीं है, ये विलुप्त हो चुके हैं, तो इनको कहते हैं विलुप्त स्पीशीज। इसके विपरीत संकटापन स्पीशीज में क्या होता है, वह जानवर जो विलुप्त होने की कगार पर है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि गिद्ध पक्षी, दरियाई घोड़ा, अन्य कई ऐसे हैं जिनको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। घा विकल्प देखते हैं, वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे का एक समूह होता है। वनस्पति जात का मतलब एक ऐसा समूह जहाँ पर पेड़ पौधों का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है। वनस्पति जात का अर्थ हुआ किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का एक पूरा का पूरा समूह। प्राणी जात में क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का समूह। ये प्रश्न अपनी नोटबुक कॉपी पर नोट कर लीजिए।